फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी का संस्कृत भाषा महत्वम चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। संस्कृत भाषा या महत्वम यानी संस्कृत भाषा का महत्व। धन्यो अयम भारत देशा यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदो प्रसवनी सुर भारती। वर्ड मीनिंग्स देख लीजिए। धन्यो अयम, धन्य है यह। भारत देशा, भारत देश। यत्र यानी जहाँ। समुल्लसति यानी सुशोभित करती है। जनमानस पावनी यानी कि जनमानस को पवित्र करने वाली। भव्य भाव उद्भावनी यानी भव्य भावों को, भव्य भावों या उच्च भावों को उद्भव करने वाली। शब्द संदो प्रशवनी, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली। सुर भारती, देवताओं की वाणी। धन्यो अयम भारत देशा, धन्य है यह भारत देश। यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी, जहाँ मनुष्यों के मन को पवित्र करने वाली। लिखा है ना, जनमानस पावनी यानी कि मनुष्यों के मन को पवित्र करने वाली। भव्य भाव उद्भावनी यानी उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदो प्रशवनी सुर भारती, शब्द राशि या शब्द समूहों को जन्म देने वाली। सुर भारती, देवताओं की वाणी। संस्कृत सुशोभित है, समुल्लसति आगे लिखा था यानी सुशोभित है। कि धन्य है यह भारत देश, जहाँ मनुष्यों के मन को पवित्र करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयोषु अस्य वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु यानी वर्तमान में, निखिलेषु अपि यानी समस्त, वाङ्मयेषु यानी साहित्यों में, वाङ्मयेषु यानी कि वाङ्मय यानी कि साहित्य, और वाङ्मयेषु यानी कि साहित्यों में। अस्य जिसका, वाङ्मय यानी कि वाङ्मय माने होता है साहित्य, जिसका साहित्य। सर्वश्रेष्ठम सभी में श्रेष्ठ, सुख संपन्नम सुसमृद्ध, चा माने और, वर्तते माने है। कि वर्तमान में जिसका साहित्य यानी कि संस्कृत भाषा के साहित्य का वर्णन किया गया है यहाँ पे, कि जिसका आज वर्तमान समय में जिसका साहित्य वाङ्मयेषु साहित्यों में सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न च वर्तते। कि वर्तमान समय में जिसका साहित्य सभी साहित्यों में सर्वश्रेष्ठ और सुसमृद्ध है। इयमेव भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता। इयमेव यानी कि यही भाषा, भाषा संस्कृत नामना अपि यानी संस्कृत नामना, नाम से अपि भी, कि संस्कृत नाम से भी लोके यानी कि संसार में प्रथिता प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आद्य ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। कि एयमेव भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता, कि यही भाषा संस्कृत भाषा के नाम से भी इस संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण, अस्माकं माने हमारी, रामायण रामायण, महाभारत महाभारत, आद्य ऐतिहासिक ग्रंथा यानी आदि ऐतिहासिक ग्रंथ। चत्वारो वेद, चत्वारो माने चार, वेद वेद चारो वेद, सर्वा उपनिषदा, सर्वा माने सभी, उपनिषदा माने उपनिषद के सभी उपनिषद। अष्टादश पुराणानि, अष्टादश यानी कि अठारह, अष्टादश दस यानी दस, अष्टा आठ, तो अष्टादश अठारह पुराणानि पुराण। अन्यानि च और अन्य, महाकाव्य नाट्यादीनि अन्य महाकाव्य और नाटक आदि। अस्यामेव, अस्यामेव इसी भाषायाम भाषा में लिखितानि लिखे सन्ति हैं। कि जो हमारी अस्माकं रामायण, हमारी रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद और अठारह पुराण, अन्य महाकाव्य और नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हैं। इयमेव भाषा सर्वासामार्य भाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्वविधिभिः। इयमेव यानी कि इसी भाषा, भाषा को सर्वसम आर्य भाषा नाम, सभी आर्य भाषाओं की जननीति, जननी मन्यते माना
भाषा तत्व विधि विधि यानी वैज्ञानिक भाषा तत्व के जानकार यानी कि भाषा तत्व वैज्ञानिक कि जो भाषा तत्व वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी माना है। संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञान श्रेयत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टेर विषयः। संस्कृतस्य गौरवम कि संस्कृत का गौरव बहुविध ज्ञान श्रेयत्वम व्यापकत्वम च कि अनेक बहुविधि यानी अनेक प्रकार के ज्ञान अनेक प्रकार के ज्ञान से व्यापकत्व चा माने और व्यापकत्व यानी व्यापक कि जो संस्कृत भाषा है संस्कृत भाषा का गौरव है वह अन्य प्रकार के ज्ञान से व्यापक है। कस्यापि दृष्टेर विषये जो कि किसी से भी छिपा नहीं है। दृष्टेर यानी दृष्टेर विषय किसी से भी छिपा यह विषय नहीं है कि संस्कृत भाषा का जो ज्ञान है वह बहुत ही व्यापक है यह किसी से भी छिपा नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्य गुप्तमाचार्य प्रवरेण दंडिना। संस्कृतस्य गौरव कि संस्कृत के गौरव में दृष्टिपथमानीय यानी ध्यान में रखकर सम्यक युक्त आचार्य प्रवरेण कि संस्कृत भाषा के गौरव को ध्यान में रखकर आचार्य दंडी ने सही प्रकार से युक्त देखकर कहा है कि संस्कृत नाम दैवी वागन वाख्याता महर्षि भी कि संस्कृत नाम यानी संस्कृत वाणी को दैवी वागवान ख्याता महर्षि भी कि महर्षियों ने दिव्य वाणी कहा है कि संस्कृत भाषा को ही महर्षियों ने दिव्य वाणी कहा है। क्यों कहा है दिव्य वाणी इसके गुणों को ध्यान में रखकर। संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम। संस्कृतस्य यानी संस्कृत का साहित्यम साहित्य सरसम सरस व्याकरणच और लास्ट में आपका चा लगाया चा का मतलब और कि संस्कृत साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है कि संस्कृत का जो साहित्य है वह अत्यंत ही सरल है और इसकी व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य चा लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यच वर्तते। तस्य गद्य पद्य चा कि इसका गद्य और पद्य लालित्यम यानी सौंदर्य भावबोध सामर्थ्यम यानी भाव का बोध कराने वाला अद्वितीय श्रुति माधुर्य यानी कर्ण मधुरता यानी कि कानों को मधुर लगने वाला वर्तते है कि जो संस्कृत है इसका गद्य और पद्य लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम भाव को समझने वाला अद्वितीय श्रुति माधुर्यक्ष यानी कर्ण मधुरता यानी कि कानों को प्रिय लगने वाला है। किम बहुना कि अब अधिक क्या कहें। चरित्र निर्माणार्थ यादृशीं सत प्रेरणाम संस्कृत वाग्मयम् ददाति न तादृशी किंचित अन्यत् कि चरित्र निर्माणार्थ यानी चरित्र के निर्माण के लिए यादृशी जैसी सत प्रेरणा उत्तम प्रेरणा संस्कृत वाग्मयम संस्कृत साहित्य ददाति देता है न तादृशी वैसी किंचित अन्यत कि वैसी अन्य कोई नहीं कि इससे ज़्यादा अधिक संस्कृत भाषा की प्रशंसा में हम क्या कहें। किम बहुना अधिक क्या कहें। चरित्र निर्माणार्थ के चरित्र के निर्माण के लिए यादृशी जैसी सत प्रेरणा यानी कि उत्तम प्रेरणा संस्कृत वाग्मयम संस्कृत साहित्य ददाति देता है न तादृशी किंचित अन्यत वैसी अन्य और कहीं नहीं। एक बार फिर से देख लीजिए कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणच सुनिश्चितम कि संस्कृत का साहित्य सरल और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यच वर्तते कि इसका जो गद्य और पद्य है वह लालित्य यानी कि सौंदर्य भावबोध सामर्थ्यम यानी भावों का बोध कराने वाला अद्वितीयम यानी दूसरी जगह और कहीं नहीं मिलता अद्वितीय है। श्रुति माधुर्य यानी कर्ण मधुरता यानी कि कानों को प्रिय लगने वाला वर्तते है। किम बहुना अधिक क्या कहें।
चरित्र निर्माणार्थ कि चरित्र के निर्माण के लिए यादृशी, जैसी, सत्प्रेरणा, उत्तम प्रेरणा, संस्कृत वाग्मयम् ददाति, संस्कृत वाग्मय यानी संस्कृत साहित्य देता है, न तादृशी किंचित अन्यत, वैसी अन्य और कहीं नहीं। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते न अन्यत्र तादृशी, कि मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना, कि मूलभूत गुणों का जो मानवीय गुण होते हैं, मूलभूत मानवीय गुण यादृशी विवेचना, कि मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते संस्कृत साहित्य में है, न अन्यत्र अन्य नहीं तादृशी वैसी, वैसी अन्य कहीं नहीं, कि मूलभूत और मानवीय गुणों की जैसी विवेचना आपको संस्कृत साहित्य में मिलती है वैसी और कहीं नहीं। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्य चा अनेका गुणा अस संस्कृत साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायते। दया, दया, दानम, दान, शौचम यानी पवित्रता, फिर है औदार्यम यानी उदारता, अनुसूया यानी अनुसूया मतलब किसी से ईर्ष्या ना करना, क्षमा, अन्य चा अनेके गुणा, चा यानी कि और अन्य, अन्य अनेके गुणा कि और अन्य गुण भी, अस्य साहित्यस्य इसके साहित्य के, अनुशीलनेन अनुशीलन से, अनुशीलन यानी कि अध्ययन करना, कि अध्ययन करने से संजायते, कि दया, दान, पवित्रता, उदारता और ईर्ष्या न करना, क्षमा आदि गुण जो इसके साहित्य के अध्ययन करने से मिलते हैं संस्कृत साहित्य। एक बार फिर से आप ये पैसेज देख लीजिए कि मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना, कि मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम की मूलभूत और मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, न अन्यत्र तादृशी वैसी अन्य कहीं नहीं। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्य चा अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायते। दया, दान, शौच यानी कि पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनुसूया ईर्ष्या न करना, क्षमा क्षमा करना, अन्य चा अनेके गुण और अन्य गुण अस साहित्यस्य अनुशीलनेन कि इसके साहित्य के अनुशीलन करने से, अनुशीलन या अध्ययन करने से, संस्कृत साहित्य के अध्ययन करने से हमें ये सब गुण प्राप्त होते हैं। आगे पढ़िए, संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास, भारवी, भवभूति इत्यादियो महाकवय स्वकीय ग्रंथ रत्ने अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते, कि संस्कृत साहित्य से संस्कृत साहित्य के आदि कवि, अब यहाँ पे संस्कृत साहित्य के कुछ कवियों के नाम हैं कि संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि यानी वाल्मीकि, महर्षि व्यास, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, कवियों के कुल के गुरु कालिदास, अन्य चा और अन्य, भास, भारवी, भवभूति इत्यादि, भवभूति इत्यादि, महाकव्या महाकवि, स्वकीय अपने ग्रंथ रत्न ग्रंथ रत्नों से अद्यापि आज भी, पाठकानां पाठकों के हृदय यानी हृदय में विराजन्ते यानी विराजित हैं, कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य, भास, भारवी, भवभूति इत्यादि कवि अपने अपने ग्रंथों के माध्यम से आज भी पढ़ने वालों के हृदय में विराजित हैं या विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृशम, यह भाषा हमारी मातृशम यानी माता के समान, सम्माननीय वंदनीय च, च यानी और, सम्माननीय और वंदनीय, यतो भारत मातु, यतो क्योंकि भारत मातु, भारत माता की, स्वातंत्र्यम स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडत्व यानी अखंडता, सांस्कृतिक मेकता, संस्कृतनयो सुरक्षितम शक्यन्ते,
कि इयम भाषा, यह भाषा अस्माभि, हमारी मातृशम माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। कि जो संस्कृत भाषा है वह हमारे लिए माता के समान ही सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्व सांस्कृतिक मेकतक्ष संस्कृति नैव सुरक्षितम शक्यन्ते। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता को संस्कृति नैव यानी संस्कृत से ही सुरक्षितम सुरक्षित शक्यन्ते रखा जा सकता है या सुरक्षित रह सकती है। क्योंकि जो हमारी भारत माता है उसकी स्वतंत्रता, गौरव और अखंडता को सांस्कृतिक और उसकी सांस्कृतिक जो विरासत है संस्कृत नैव संस्कृत से ही सुरक्षित रखा जा सकता है। एक बार फिर से ये लाइन देख लीजिए कि इयम भाषा अस्माभि मातृशमा सम्माननीय वंदनीय च। कि यह भाषा हमारी माता के समान ही हमारे लिए सम्माननीय है, वंदनीय है और वंदनीय है। ये तो भारत माता, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव और अखंडता, सांस्कृतिक एकता को संस्कृत से ही सुरक्षित रखा जा सकता है। इयम संस्कृत भाषा, इयम यह संस्कृत भाषा सर्वासु सभी भाषासु भाषाओं में प्राचीनतमा प्राचीनतम श्रेष्ठ श्रेष्ठ च और अस्ति है। क्योंकि यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठ उक्तम यानी ठीक ही कहा है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। तथा इसीलिए सुष्ठ उक्तम ठीक ही कहा गया है भाषासु मुख्या कि भाषाओं में मुख्य मधुर भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य गीर्वाण भारती है। गीर्वाण भारती यानी देवताओं की भाषा और देवभाषा या देववाणी यानी कि संस्कृत। इसलिए ठीक ही कहा गया है कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य और देववाणी है।